जाना है। अब लोग उस घर से निकल करके जाने लगे हैं, तो वहीं पे पंडव ग्रहों को जाते हुए कौन जान पाएगा? जाते हो जो वहाँ के सबसे अधिक ज्ञानी होगा, और उस सभा के ज्ञानी कौन है? उस सभा में ज्ञानी है विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी उस सभा में ज्ञानी है, उन्होंने देखा कि ये क्या इस धनुष से नौग्रह निकले हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब बात समझ में आई, इस धनुष में नौग्रह विराजमान थे, इसीलिए इस धनुष को कोई भी हिला ना सका। अब मैं समझा कि क्या बात थी। तो विश्वामित्र जी ने अपने मन में विचार किया कि यही शुभ अवसर है, ना हो तो इस शुभ कार्य राम से किया करवाया जाए। विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दी और कहा, मेरे गुरुदेव एक और आज्ञा दे दें। क्या हमारे गुरुदेव एक और आज्ञा दे दें कि जो माता सीता जयमाला लिए खड़ी हुई है, और मुझे ये आज्ञा दे दें कि जो सीता जी खड़ी हुई है उनसे जयमाला भी डलवा लें। तो राम जी ने ये विचार किया, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा कि जो सीता जी खड़ी हुई है इनसे जयमाला डलवा लीजिए। आज श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी का आशीर्वाद पा करके आज्ञा को मान करके चले हैं, उस धनुष के पास ले जाकर के पहुंचे हैं, और जाकर के धनुष के पास में पहुंचे हैं। गुरु उठाया है, और जब धनुष को उठाया है तो